पाटलिपुत्र की जंग में अब बारी जनता मांगे जवाब की। लाइव इंडिया की मुहिम जनता मांगे जवाब में आज आपको बिहार के छपरा लेकर हम चलते हैं। आइए जानते हैं कि वहां की जनता नेताजी से किन वादों का हिसाब मांग रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। जनता मांगे जवाब का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच चुके हैं बिहार के छपरा में। यहां पहले की तरह ही देख सकते हैं गठबंधन के लोग हैं, महागठबंधन के लोग हैं और एनडीए के लोग हैं और साथ ही हमारी प्यारी पब्लिक जनता भी है, सवालों की बौछार के साथ तैयार खड़ी है। तो सबसे पहले जनता के पास चलते हैं। नरेंद्र मोदी खुद बोले कि हमने अच्छे दिन लाएंगे। अच्छे दिन कब आएगा? बोले कि 15 से 20 लाख रुपया हर एक जवानों का खाता में दिया जाएगा और उसका बाद बोले कि नौजवानों को नौकरी मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि क्या विकास किए आप, हमसे बतलाइए। चलिए, क्या विकास हुआ? एनडीए ने जो वादा किया था उसको लेकर वादा जो किया था, अभी इन्होंने कहा है कि बैंक का अकाउंट में कितना पैसा आ गया, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जो भी अकाउंट खुला है पूरे देश में, पूरे जनता ने खुलवाया अकाउंट में, क्या किसी सरकार ने खुलवाया था या किसी ने अकाउंट के माध्यम से जनता को फायदा दिलवाया? कोई अकाउंट खुलवाने का, जब तक अकाउंट नहीं खुलेगा तब तक जनता को फायदा नहीं मिलेगा। हर तरह के अकाउंट खुलवाया गया है। कोई सरकार ऐसा बता दे जो अकाउंट खुलवाया हो। आपको साक्षात बता दूं, कल मैं स्टेट बैंक बाजार ब्रांच में गया था, एक व्यक्ति वहां अपना खाता लेके गया, बोला कि इसमें मेरा ट्रांसफर करना है इतना पैसा। वो कहा कि ये खाता बेकार है, इस खाते में मात्र 10,000 का ही ट्रांजेक्शन हो सकता है, अगर लाखों करोड़ तो जो आप अपना अलग से खाता खुलवाइए उसमें ये ट्रांजेक्शन। हाँ जनता, अब क्या करते हैं एक पैसा आज तक नहीं पहुंचा। जनधन का आरोप जिस तरह से लग रहे हैं ये निराधार बात है। ये कोई उदाहरण ले लिए तो उदाहरण नहीं है, पूरे देश का उदाहरण लीजिए। इसके पहले एक साल पहले भाजपा का सरकार था, उन्होंने क्या किया है? 30% दिखना चाहिए था ना। हमें तो एक साल में लगा कि बहुत ज्यादा, रणधीर कुमार सिंह जो विधायक हैं, 300 कुछ रोड बनाया, स्ट्रीट लाइट दिया, नाला वाला सब सामने दिखाई पड़ रहा है। उसके पहले कहां से कोई, उसके अभी जब जब चुनाव आ रहा तो लोग ये काम करना है वो काम करना है, कोई समय में तो नहीं आ रहा है। चुनाव के समय की घोषणाओं की बात कर रहे हैं। जो आपको स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रहा है वो बीजेपी का किया हुआ है, यहाँ के विधायक लिखा हुआ नहीं है। ये आप हम आरटीआई से आप मांग के देख सकते हैं। अभी बिजली का जो काम हो रहा है उस समय हम लोग का 22 करोड़ रुपए अलॉट कराया हुआ, यहाँ के पूर्व विधायक का था सिग्रवाल साहब का, वो कराया हुआ है। आपको जितना 400 से ऊपर रोड हमारे बनाए हुए हैं ये आरटीआई से मांग के देख सकते हैं आप, छुपाने वाली बात नहीं है। अच्छा, इस यहाँ तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कि काम किसने करवाया है, ये कह रहे हैं बीजेपी ने करवाया, आपने नगर निगम का फंड है श्रीमान, नगर निगम फंड है, बिहार सरकार का देन है और बिहार सरकार का, ये जग जाहिर बात है, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। आपके कौशल विकास मंत्री यहाँ राजीव प्रताप रूडी, केंद्रीय कौशल विकास मंत्री, उनका क्या योगदान रहा है? अभी तक वो नागरिक उड्डयन मंत्री भी थे, एक हवाई जहाज का एक रूम तक नहीं बना पाए। लालू यादव हमारे गठबंधन का नेता है, लाख बुरा है, लेकिन दो दो फैक्ट्री दिया उसने, रेल का सौंदर्यकरण, रेल का विद्युतीकरण, तमाम जो चीजें हैं विकास के लिए। सवाल लेते हैं जरा और एक मिनट, नहीं नहीं एक मिनट बताइए। दोनों गठबंधन से मैं छपरा के लिए पूछना चाहता हूं कि सरकारी अस्पताल में जो है मरीज जाती है तो उसको तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाता है, रेफर सीधे पीएमसी, तो यहाँ क्या व्यवस्था है और सरकारी में शिक्षा की व्यवस्था क्या है? चलिए, हम बहुत महत्वपूर्ण, एक मिनट, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये तो व्यवस्था बिहार सरकार की है, ये तो नीतीश भाई बता रहे हैं कि यहाँ की जो स्वास्थ्य की व्यवस्था उन्होंने बना कर रखी है। हमारी जनता ठीक कह रही है कि स्वास्थ्य के नाम पर जो है माने सारे पब्लिक को और मरीज को ठगा जा रहा है। ये परेशानी जो है इतनी झेलनी पड़ रही है यहाँ के मरीजों को कि जिसका कोई निदान नहीं हो रहा है। अगर इसका यही जंगल राज का मुख्य अंग है, एक एक पॉइंट ऐसा जो है इसमें मुझे शास्त्र के बारे में एक ही बात कहनी है कि नहीं है सुविधाएं ना, मान लीजिए ओवरऑल जो जो यहाँ के दायरे में न हो वो पटना इलाज के लायक हो तो उसको यहाँ रखना उचित नहीं है, उसकी जान बचाने के लिए। लेकिन आज उठा कर देखिए जितना दवा का बिक्री है, क्या नाम है, वितरण है, और जितना इलाज और जितना ड्यूटी प्रॉम्प्ट पर रह रहे हैं डॉक्टर उतना इसके पहले कभी नहीं रहा है। नीतीश कुमार को हम बहुत अच्छे नेता मानते थे लेकिन वो केवल मुख्यमंत्री, यही देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी भी दल से मिल जा रहे हैं। जो लालू जी 15 साल बिहार में किए वो सभी जानते हैं,
15 साल बिहार कहाँ गया उसके बारे में। युवाओं के लिए क्या एजेंडा है आपके पास ये जानना? युवाओं के लिए नीतीश कुमार ने अभी भी घोषणा किया अपने एजेंडा में कि 4 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे और सभी बेरोजगार युवाओं को एक रोजगार की नई दिशा प्रदान करेंगे। नीतीश कुमार जी का घोषणा हो गया और सारे मंच पर तमाम बिहार में अपना चुनावी एजेंडा है और नीतीश कुमार का व्यक्तित्व रहा है कि जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और बिहार में धातों को उतारा उन्होंने। शिक्षकों पर लाठी चलवा अभी नहीं चला अभी छात्रों युवाओं के लिए अभी इन्होंने कहा कि हमने बहुत बड़ा काम किया है तो मैं यह आपको बता देना चाहूंगा कि 12-13, 13-14, 14-15 कौशल विकास श्रम संसाधन विभाग से 40,000 लड़कों को नियुक्ति देना था प्रशिक्षण दे करके और उसमें 80 करोड़ का आवंटन आया हुआ था केंद्र से और 12-13 का उतना ही था, 13-14 का भी वही था और 14-15 का भी वही था। वह पैसा रिटर्न चला गया और आपको बता रहे हैं 1,60,000 लड़का पैसे लौटा दिए गए, पैसा लौट गए, पैसे लौट गए शिक्षा के लिए जो आए थे। पैसे लौटे नहीं हैं, सबसे बड़ी बात है मैं बताता हूँ कि यह केंद्र के द्वारा उस वक्त आवंटन की जाती है जब लास्ट पॉइंट पोजीशन आ जाता है और वो खर्च करने में इस सरकार को ज्यादा दिक्कतें होती है, उसको समय मिलना चाहिए। बिहार सरकार तो मांग रहे हैं प्रोटेक्शन की, अभी नुकसान तो लेकिन हो गया, युवाओं का नुकसान तो हो गया। मेरा सवाल है सभी पार्टी के नेताओं से, आम नागरिक की हैसियत से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये कब तक चलेगा मूर्ख बनाने वाली प्रवृत्ति? सभी पार्टी के नेता हो या केंद्र के नेता हो या राज्य के हो या जिला के हमारे नेता, किस बात विकास को लेकर किसी मुद्दे पर? चलिए वो आप एक सवाल, वो सिर्फ चुनाव आता है तो जातीयता, आरक्षण, भाई भतीजावाद, गोमांस ये मुद्दा उठा के चुनाव लड़ा जा रहा है। जात पात के मुद्दा जो है, जाते पात का मुद्दा के लेकर के जीतनराम मांझी जी ने सवाल उठाया था और सवर्णों के लिए कहा कि नहीं सबको होना चाहिए और उन्होंने मुद्दा करके जब उठाया तो नीतीश कुमार को अच्छा नहीं लगा और तुरंत उनको जाति पात बरकरार रखने के लिए उन्होंने जीतनराम मांझी को हटा दिया कि नहीं बरकरार रहना चाहिए। और सवाल था कि विकास ही मुद्दा होना चाहिए, हम लोग यही चाहते हैं ना, सारा लोग चाहता है कि विकास मुद्दा होना चाहिए, अच्छी बात है, नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं विकास ही होना चाहिए, लेकिन लालू यादव और नीतीश कुमार इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन ही शुरुआत किया है जात पात से। लालू यादव जवाब लेते हुए कार्यक्रम खत्म करेंगे, कहना है कि लालू प्रसाद यादव नहीं इसको शुरुआत दी है जातिवाद। हमको लगता है कि जिसको मौका मिला है अपना व्यवहार कर लिया है, नहीं समझे, लेकिन खास करके लालू पे अगर ये डाला जाए यह उचित नहीं है। जीतनराम मांझी को सब लोगों ने इस कार्ड को खेला है, आज ही अगर जीतनराम मांझी को हटाकर यह अभी भाजपा एनडीए एक कार्ड खेल रही है जीतनराम मांझी को खड़ा करके, इसलिए यह बात कहने की नहीं है। आज जहाँ तक हसर की बात कर रहे हैं तो जितनी भी वो सपना दिखा चुके हैं मोदी जी इस देश में, चलिए छपरा की जनता ने अपनी बात कही है, हम फिर एक दूसरे जिले में चलेंगे, वहाँ की जनता की बात सुनेंगे और यह जानेंगे कि वहाँ विकास मुद्दा है या कुछ और मुद्दा है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ प्रशांत कुमार, लाइव इंडिया छपरा। बहुत तेरी सरदारी रे, अब तो हमारी बार।